ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था, थप्पड़ आपने मारा था, मैंने मारा था, क्यों मारा था, इसलिए मारा था उसे एसडीएम ने जो कन्हैया चौधरी का ये तो मानते हैं कि आपने थप्पड़ आपने मारा था, थप्पड़ आपने मारा था, मैंने मारा था, क्यों मारा था, इसलिए मारा था उसे एसडीएम ने जो करे आग लगाई और जो नुकसान इस गाँव में किया हमारे लोगों का किया वो बहुत ही दयनीय। बिस्तर रात को आ चुके थे, खाने की तैयारी थी, आप जा रहे थे, गाड़ी को रोके, क्या आपको अंदेशा था कि पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से अचानक से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, क्या आपको ये अंदेशा था और क्या आप उस समय गिरफ्तारी देने ही जा रहे थे, क्या कुछ माइंड में चल रहा था? मैं खाना ले लिया, मेरा खाना आने नहीं दे रहे थे, चुनाव था कल सात बजे से, सारे लोग भूखे थे, गांव का बहिष्कार चल रहा था, गाँव भूखे थे। बिल्कुल, मैं आपके साथ ही था, आप कह रहे थे कि हमारी गाड़ी को रोक लिया, चलिए हम पुलिस को, तो ऐसा जो रणनीति पुलिस ने बनाई, क्या आप, और कहा जा रहा है कि आपको भी अरेस्ट पुलिस करने की क्षमता चाहिए, क्या आप, क्या आप इंतजार कर रहे थे? 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ऐसा कह रहा है, कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है? बहुत बड़े लोगों का संयंत्र इसके पीछे बीजेपी की सरकार है, हरीश मीणा का आरोप लगाने वाले, मैं सरकार को कोई आरोप नहीं लगा रहा, भाजपा लाल को कोई आरोप नहीं लगा रहा, कलेक्टर का आरोप लगा रहा हूँ, हरीश मीणा पर मेरे को संदेह, मेरे को संदेह ये सब उसके इशारे में हुआ है, क्योंकि जिस तरह की उसने कोई नेता नहीं बताया, जिस तरह से पैसे लेके राजनीति करी है, वो आज गाँव में जा नहीं पड़ा लोगों के विरोध के कारण, और वो इसके पहले षड्यंत्र कर चुका है, वो पंचायत करवा था समाज किया और एक अलग ही माहौल बनाना चाह रहा था, समाज में टकराव की स्थिति को पैदा करना चाह रहा था, चाहता था हरीश मीणा बस चाहिए, मेरे को एनकाउंटर भी करा सकता है, मुझे डर है हरीश मीणा मेरा एनकाउंटर भी करवा सकता है, कलेक्टर जिम्मेदारी एसपी जिम्मेदार है, दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आपको 60 लोगों को अरेस्ट किया गया है कल, क्या घटनाक्रम हुआ था, ये आगजनी किसने की? सर पुलिस वालों ने किया आगजनी, सारे निर्दोष हैं, मैं अकेला दोष हूं, अगर कोई सजा होती मुझे, मेरे नाम से उसे, ये जो गांव में आगजनी दिख रही है सर, ये सब पैसे पैसे द्वारा मुझे इस्तेमाल है, इस मकान में बैठने का रुपये 20 लाख का, एक मकान से 5 लाख का देने लेकर माता बना हुआ, माता बना लगती है, बहुत बुरी हालत किसान बर्बर का कौन कारण काम आज मुझे रास्ता बदल गया एक पुलिस के सिपाही ने, एक पुलिस के सिपाही जो यहाँ मौजूद था उसने मुझे धमकी भरी मर्डर करने की, मुझे मर्डर करने की धमकी भेजी, महावीर जानू उसका नाम, और उसने मेरे को मैसेज किया कि मैं तुझे आज रिजाइन दूंगा पुलिस से और तेरा मर्डर करूँगा। अब ये हो सकता है तुझे आपकी गिरफ्तारी हो जाए, क्या गिरफ्तार होने के तैयार हैं आप, ये क्या पुलिस का वेट कर रहे हैं? नरेश जी विस्तार से पूछूंगा, कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ वो पूरा क्या घटनाक्रम था, जो की अलग अलग बयान आ रहे हैं, थप्पड़ मारा उसको क्या उचित मानते हैं आप, उसको उचित मानते हैं? 7 बजे प्लान था,